ना जीतता है, और आज मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो जीतेगा। ये आप उल्टा बजा रहे हो। कैसे बजाते बताओ? ये ऐसे पकड़ के। तुमको खुद ही को बजाना नहीं आता? वो कुछ और बजाता है। हाँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। लास्ट टाइम भी स्टैनली जीता था ना, तभी भी अच्छा लगा कि चलो आम इंसान का बहुत आम इंसान, मतलब बिग बॉस का जो ये अभी फॉर्मेट है वो इतना सुधर गया है कि उनके सीरियल की जो हीरोइन थी वो अब नहीं जीतती है, उनके सीरियल वाले नहीं जीतते हैं, और आम इंसान जो है वो जीत जाते हैं। तो इसीलिए अब आई एम सो हैप्पी कि अब वर्ल्ड में से कोई भी बिग बॉस में जा सकता है, और हम प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुझे एंड तक ऐसा लगा कि मनीषा रानी या पूजा भट्ट जीतेगी, मुझे ऐसा लगा था, बट आई कांट बिलीव के 2,000,080 वोटिंग में उतना आया ना। वाह, मुझे इतना लगता है काफ़ी मिलियंस आए। तो देखिए, मैं एल्विस को इसलिए नहीं पहले सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत रोस्ट किया हुआ है, यू नो, समझ रहे हो ना, रोस्ट करते हैं ना जब मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ। बट आई एम वेरी हैप्पी एल्विस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गए हैं OTT प्लेटफॉर्म, एंड आई एम सो ग्लैड के लास्ट ईयर मैंने ही OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, स्पाइडर वुमन बन के पता नहीं। हाँ, तो ये क्रेडिट मुझे ही जाता है कि अनशन किया था मैंने, आपको याद होगा। तो आई एम सो ग्लैड के OTT प्लेटफॉर्म चल पड़ा है। ये मेरी जिंदगी में ऐसा ही है कि किसी भी चीज पर मैं हाथ रख दूँ वो सोना हो जाता है, खरा सोना। ये ऊपर वाले की देन है मुझे, ये बात अलग है कि मेरी जिंदगी में कोई सोना चांदी नहीं हो रहा है, बट हो जाता है किसी भी कोई भी शो में करूँ वो हिट हो जाता है, क्या छोड़, बिकॉज बिग बॉस फर्स्ट से लेकर अभी तक यू नो मैंने किया है, इतने लोग आए इतने लोग गए, बट जो ज्यादा फैन फॉलोइंग्स अरे बोलो ना भाई, क्या नाम है उसका? बात क्या है, मैं आपको बताती हूँ, जो जो भी बिग बॉस का विनर बनता है ना उनका करियर आगे चलता ही नहीं है। बोल जमूरे, बम बम बोले। प्रॉब्लम ये है, आप सबको उठा के देख लो जितने भी है विनर्स, और जो विनर्स नहीं होते हमारे जैसे, हमारी निकल पड़ती है, तो जो रनर अप होते हैं उनकी निकल पड़ती है। बट ये पता नहीं क्या श्राप है, क्या है क्या पता नहीं, पर जो हारा मैं जो हारा वही सिकंदर, जो हारता है वही बाजीगर, वही सिकंदर होता है, वो जीतता है वो फिर बाद में कहीं, वो एक ही टाइम वो पैसा लेके जाता है, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं देता है। इसके लिए आपने मुझे कभी बिग बॉस जीतना ही नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा काम आई एम अ किंग मेकर, क्वीन मेकर। तो गाइज, मैं है ना जाती हूँ धमाका करने, तमाशा करने। तो गाइज, मुझे अच्छा लगता है बिग बॉस में जाके मैं वाइल्ड कार्ड हूँ, मुझे परमानेंटली बिग बॉस ने मेरे पे कहते हैं ना पासपोर्ट में स्टैंप लग जाता है वीजा का, मेरे पे स्टैंप लगा दिया बिग बॉस ने वाइल्ड कार्ड का। हाँ, तो मैं वाइल्ड भी हूँ और मैं वाइल्ड कार्ड भी हूँ। मुझे तब बुलाया जाता है जब सब लोग एंटरटेनमेंट नहीं देते, ठंडे पड़ जाते हैं, तो उनके बिछवाड़े में डंडे मारने के लिए मुझे बुलाया जाता है, समझ रहे हो आप? तो फिर जब मैं जाती हूँ तो फिर हाथ में डंडा, एक हाथ में डंडा एक हाथ में झाड़ू, बिग बॉस में सबकी पिटाई करके आती हूँ, सबको, मतलब सोए हुए नागों को, नागिनों को जगा के आती हूँ, यही मेरा काम है। नहीं, मैं दिल से तहे दिल से बहुत खुश हूँ कि देख भाई, एल
तूने तूने मारे को बहुत रोस्ट किया है, तूने मारे को बहुत रोस्ट किया है, चल तुझे माफ किया, तुझे ये जीत जो है बिग बॉस की मुबारक हो, बस घमंड नहीं करना, उन लोगों को नहीं भूलना जिन्होंने तुमको जीत के निकाला, यू नो, बिकॉज जब यहाँ बिग बॉस जीत जाते तो भी सबको बहुत घमंड आ जाता। एक जय वीरू थे, पता है कि नहीं कौन था बिग बॉस में? अरे नल्लो, तुम लोग को मालूम नहीं है क्या? भारत माता की, भारत माता की, सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वहाँ पे वहाँ पे फ्लैग के नीचे? अरे भाई तुम्हारे चक्कर में मेरे, तुम लोग मीडिया के चक्कर में 10-10 केस पड़े, रोज पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तुम लोग कैसे कुछ करवा देते हो ना, लास्ट टाइम बता तुम लोग को वो बाइक बाइक पे बैठ गए, किसकी रेड वाली बाइक पे गए थे क्या? वो फाइन वो धनंजय ने फाइन भरा है। सो हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए एल्विस की, और आज जो इतना बड़ा दिन है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मैं आजकल ज़्यादा मीडिया के सामने आती नहीं हूँ, बिकॉज मैं हॉलीवुड की फिल्में कर रही हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ज़्यादा दुबई, लंदन, अमेरिका, कनाडा रहती हूँ। मैं प्रियंका चोपड़ा के पीछे जा रही हूँ। अब मेरी अंग्रेजी पे किसी ने सवाल उठाया, उड़ उड़ के मारूंगी। सिस्टम हिला दिया। हाँ तुम लोग किसका सिस्टम हिला दिया? ये सिस्टम हिलाने का क्या प्रॉब्लम, क्या कौन सा सिस्टम और किसका सिस्टम हिला हुआ है? मुझे ये डायलॉग अभी तक समझ में नहीं आया, सिस्टम का क्या है, इसका सिस्टम नाम का गाना है। तो भाई सिस्टम तो देखो, वाइल्ड कार्ड में आके उसने सिस्टम तो हिला ही दिया है ना। तो कहते हैं कि वो सबको सिस्टम के नीचे रहना है, नहीं नहीं हम सिस्टम के नीचे नहीं, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन हमारी वहीं से शुरू हो जाती है। तो लोग ये ना भूले कि बिग बॉस को पैदा करने वाली राखी सावंत ही है। डे वन से आज तक हम, मैं अकेली लड़की हूँ बिग बॉस फर्स्ट से लेकर अभी तक जो टिकी हुई हूँ, दूसरे तो पता नहीं कहाँ कौन से कब्र में घुस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा।